नमस्कार, मैं बृज मोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका बृज मोहन सूरी चैनल में। यूट्यूब चैनल बृज मोहन सूरी आपका अपना चैनल है, ये मेरे नाम से चैनल है, परंतु ये आप सबका चैनल है। तो आइए, इस चैनल में आज हम आपको नया विषय दिखाते हैं, एक ऐसा विषय जिसकी जानकारी लेकर आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका दिन अच्छा होगा और आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। 13 फरवरी 2019 का उपाय यहाँ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। आज बुधवार है तो आपको विशेष रूप से ये उपाय करना है और लगन के साथ करना है। क्या करना है आज जान लीजिए। आप जानते हैं प्रतिदिन एक उपाय बताता हूँ और वह उपाय आप करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। थोड़ा समय लगता है परंतु यदि आप ये करते रहें तो बहुत लाभ होगा। अपने परिवार के लिए भी कर सकते हैं। परिवार के लिए करने का क्या नियम है आगे मैं बताऊँगा आपको। संकल्प करना होता है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बताऊंगा। तो अभी उपाय जान लीजिए। एक तो आपने आज तुलसी का पौधा किसी मंदिर या धर्म स्थान में दान करना है। तुलसी का पौधा वहाँ लगा दें या गमले सहित वहाँ रखाएं। तुलसी का एक पौधा खरीदिए, गमले सहित वहाँ रख दें या वहाँ ज़मीन है कच्ची तो वहाँ लगा दें। और दूसरा, आज आपने गाय को चारा डालना है। हरे रंग का चारा गाय को डालिए, साथ में गुड़ डालिए सूर्य डूबने से पहले पहले। इससे परिवार के सदस्यों का गुस्सा शांत होगा। आज का जो ये टोटका है ये बहुत लाभ देता है। आप जानते हैं मैं प्रतिदिन एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय आपकी कोई भी राशि है, आपका कोई भी ग्रह है, आप कर सकते हैं। यानी किसी पर कौन सी राशि चल रही है, किसी पर कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, इसका कोई विचार नहीं है। ये जो मैंने उपाय बनाए होते हैं ये गोचर राशि ग्रहों को देखते हुए संयुक्त रूप से बनाए होते हैं, जो आपको लाभ देते हैं, आपके आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं और आपके सभी ग्रहों को उच्च करते हैं। यदि परिवार का एक सदस्य करता है, ऐसे हाथ में जल ले ले, ये फिंगर को ऐसे करके हाथ में जल ले ले और संकल्प करे कि मैं जो ये उपाय करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, इसका फल फलां फलां व्यक्ति को मिले या मेरे पूरे परिवार को मिले, और फिर जल ऐसे ज़मीन पर गिरा दें तो इसका लाभ पूरे परिवार को मिलेगा। यानी ये ऐसे टोटके हैं, ऐसे उपाय हैं जो आपका बहुत उद्धार कर सकते हैं। इनको आम मत समझिए, मैं प्रतिदिन बता रहा हूँ, प्रतिदिन मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। मेरी इच्छा ये है कि आप खुश रहें, मेरी इच्छा ये है आपके घर में बहुत सारा धन आए, मेरी इच्छा ये है कि यदि आपके पति, आपका बेटा, आपकी माँ, आपके पिता, कोई भी आपसे नाराज है तो मिलन हो जाए। मैं ये चाहता हूँ आपका कर्जा उतर जाए, मैं ये चाहता हूँ आपका अपना मकान हो, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी दुख आपके पास ना आए। तो इसलिए नए नए टोटके, नए नए उपाय ढूंढ कर लाता रहता हूँ। तो आप कीजिए, दिल से कीजिए। वैसे आपको बता दूं कि यदि कोई प्रबल समस्या हो, जैसे कुछ लोगों के बच्चा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अब जन्म कुंडली में यदि पांचवें घर में राहु बैठे हैं और बहुत शक्ति लेकर बैठे हैं तो बेटे की प्रॉब्लम आएगी, परंतु उसका उपाय क्या है? पति पत्नी की दोबारा शादी करवा दीजिए, बच्चा हो जाएगा। आप सभी मत करना शुरू कर देना, ये देखना पड़ता है जन्म पत्री में, अलग अलग उपाय होते हैं। तो जन्म पत्री में प्रत्येक समस्या का हल छिपा हुआ है, सिर्फ ढूंढने की आवश्यकता है। हम ढूंढते हैं फिर आपको हल बताते हैं। कई बार होता है बहुत प्रबल योग है, वो योग कार्य नहीं करता है, जब उस योग में कार्य होता है तो सब कुछ होने लगता है। यानी योग है, योग ने आपको विदेश भेज दिया, अब वो एक्टिवेट नहीं है, आप विदेश गए, वहाँ कामयाब नहीं हो रहे हैं, परंतु जैसे ही योग एक्टिवेट हुआ आप कामयाब हो गए। तो ये सब कुछ जन्म पत्री में होता है, परंतु ये जो टोटके हैं बहुत अहम होते हैं, इनको कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए। किसी दिन नहीं भी कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कोशिश कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। जैसे चक्रवर्ती ब्याज होते हैं ना, मूलधन फिर उसके ऊपर ब्याज लगता है, फिर चक्रवर्ती ब्याज लगता है, ऐसे जब आप
लोगों को शेयर करते हैं और वो देखकर उपाय करते हैं, उनको लाभ मिलता है, तो जो पुण्य प्राप्त होता है उसका हिस्सा आपको भी मिलता है। तो इस प्रकार आप लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ब्रज मंसूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्मपत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देख कर ही बताते हैं। परंतु जन्मपत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है, यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, ये आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं, क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्मपत्री में होता है। जब हम जन्मपत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।